मरना मिट। भूख सब कुछ करवाती है। जैसे आदमी की डिमांड होगी हम लोग तो ऐसे काम करेंगे ना। अलमिया है जिसको कहेंगे कि सिरेमिक की तरफ कोई जाता नहीं। इस कदर गूंधना पड़ती है लहू से मिट्टी, हाथ घुल जाते हैं, फिर गुजागरी आती है। यहाँ हाथ तो हाथ, मिट्टी गूंधते गूंधते उम्रें भी घुल गई हैं। कुछ लोग मिट्टी को हाथ लगाएं तो मिट्टी सोना बन जाए, मगर यहाँ मिट्टी सोना नहीं बनती, बस पेट ही भरती है। हिम्मत, मेहनत और हौसला बहुत जरूरी है। जिंदगी के तल्ख तजुर्बात झुर्रियों की सूरत चेहरे पर न जाने कब से नमूदार होने लगे। ये है 50 साल से इस पेशे से वाबस्ता जुलेखा बीबी। क्या लिया है, दुखिया नहीं थी, दूसरा काम होता नहीं। फिर मेरी माँ थी, वो बोल तो भाभी के साथ करो। तो भाभी के साथ थोड़ी 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 मिट्टी किया और सीख गया। फिर जब से छोटा छोटा तंदूर बनाया, फिर बड़ा बनाया, फिर माँ ने दुकान हमको दो, वो दुकान था तीसरे बार। वो तो दुकान पे बैठी, माँ बेटी के 50-50 थी, दोनों माँ बेटी की 50-50 थी। ये सिर्फ 5 उंगलियों का ही कमाल है सारा, हर किसी हर कोई नहीं कर सकता। नसीब वाले हैं जो चक पे बैठ के ये काम करते हैं। मेहनत बेशुमार है। अगला लेने वाला बोलता है भाई ये तो मिट्टी का बना हुआ है, तुम ये 300 का बेच रहे हो, मगर वो ये नहीं देखता है कि ये मिट्टी के इतने ढेले होते हैं, तोड़ के ला के फिर उसके छोटे टुकड़े करके धूप में सुखा के फिर उसको भिगोया जाता है, फिर मिट्टी बनती है, मिट्टी मारनी पड़ती है, फिर मिट्टी जब तैयार होती है तो चक पे रखे चीज़ें बनाई जाती हैं, बनने के बाद सूखना, सूखने के बाद का अमल आता है कि जाओ भट्टी में चली जाती हैं, फिर उसको पकाना पड़ता है। उसमें रिस्क होता है कि हमारा पकाया इतना मेहनत वाला माल सारा का सारा साबुत पक्के निकलेगा, ये कितना क्रैश होता है 25%, 50%, और जब बेचने के लिए जाते हैं तो रेट वही मिलता है। ये मिट्टी के बर्तन हमारी सकाफत का हिस्सा है। कदीम तहजीबों से लेकर आज तक कूजागरी का पेशा अपनी मुकम्मल कुव्वत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। ये फन जिंदा है। पेचीदा और दिलचस्प तकनीक के बायस ये फन इंसान को जहनी और जिस्मानी तौर पर फाल रखती है और फिर मिट्टी से इंसान के दायमी रिश्ते को और तकवियत मिलती है। दिमाग और नजरें दोनों काम पर लगी हैं, मगर जबान एक दास्तान है कि हमें सुनाई जा रही है। जब काम सीखते हैं तो छोटा छोटा काम सीखते हैं, उसके बाद आस्ते 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 मतलब जैसे काम हाथ बैठते जाते हैं ऐसे काम आस्ते आस्ते बड़ा सीखते जाते हैं, फिर छोटे काम से फिर बड़े काम के ऊपर हाथ बैठते हैं। अभी माशाल्लाह हम लोग बड़ा काम करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, छोटे माल पे लिए जाओ तो फिर अभी अच्छा नहीं लगता। बड़ा माल कम बनाना पड़ता है, छोटे पीस ज़्यादा बनाने पड़ते हैं इस वजह से। मिट्टी के बर्तन मरहला वार बनते हैं और हर मरहला सर करने के लिए हिम्मत, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। अब्दुल हमीद है और तकरीबन 7-8 साल से मैं इस पेशे से मुंसलिक हूँ। ये पेशा हमारा जो है कुम्हार का पेशा कहलाता है और ये हैंडीक्राफ्ट्स बनाने के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेशा है और इससे एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट को आमदनी भी काफ़ी होती है। उसके बाद जो मैं आपको इस काम के बारे में आगाह करना चाहता हूँ वो ये कि सबसे पहले हम मिट्टी मंगाते हैं डंपर के हिसाब से, भिगो के आपस में इसको हल करने के बाद हम इसको साइड पे निकाल लेते हैं, छान से गुजारते हैं एक मरहल के तौर पर। जब ये तैयार हो जाती है 2-3 दिन में खुश्क हो जाती है, उसके बाद इस्तेमाल के काबिल होती है। ये तैयार मिट्टी है, अब इसको इधर से उठाएंगे वहाँ चक्के पे इस्तेमाल करेंगे। ये जो रिश्ता है मेरा मिट्टी से, ये जो रिश्ता है मेरा मिट्टी से, रूप सारा है मेरा मिट्टी से, मैं सितारा नहीं हूँ सूरज हूँ, गहरा रिश्ता है मेरा मिट्टी से, मैं खुदरो दरख्त हूँ लेकिन, मैं खुदरो दरख्त हूँ लेकिन पेट भरता है मेरा मिट्टी से। कभी तंदूर बिक गया, कभी मिट्टी बेचा, ऐसा करके गुजारा चला, अल्लाह मालिक। कुम्हार को इंसानी तारीख का पहला फनकार कहा जाए तो बेजाना होगा,
चिकनी मिट्टी, पानी और आग से तैयार होने वाले ये बर्तन हकीकतन फनपारों से कम नहीं। कई हजार बरस से कुम्हार तखलीक के इस खूबसूरत सफर पर गामजन है। ये हुनरमंद हाथ हैं जो एक ख्याल को वजूद में ढालते हैं और फिर देखते ही देखते जिंदगी खुद मिट्टी बन जाती है। नबाहत लोटिया स्टूडियो सरमिस्ट हैं। वो फर्क वाजे करती हैं कि एक कुम्हार और सरमिस्ट में क्या फर्क है और किस तरह इनका काम मुमासिलत रखने के बावजूद भी मुख्तलिफ है। जब हमारा घर बना तो उसमें मुझे गार्डन के लिए चीज़ें चाहिए थी, तो मैं फिर कुम्हारों के पास गई और मैंने कहा मुझे कुछ जदीद किस्म की चीज़ें दें, क्योंकि वो उसी तरह के गमले बन रहे थे, गमले के ऊपर गमला, छोटे बड़े ज़्यादा ज़्यादा ही हो गया। फिर मैंने वहाँ बैठ कर और उन कुम्हारों के साथ उनसे पूछा कि आप अगर इसको जिस तरह इस तरह लेके जा रहे हैं, अगर आप इसको अंदर ले जाएं और फिर वापस लाएं, इस तरह कुछ करें, जिद्दत करें तो क्या है? नहीं नहीं, ये तो नहीं बिकेंगे, इस तरह नहीं हो सकता, हम चांसेस नहीं ले सकते, नहीं बिके तो फिर हमें नुकसान होता है। मैंने कहा आप मेरे लिए बनाइए, तो उन्होंने फिर डिफरेंट शेप्स बनाने शुरू किए। अफसोस की बात यह है कि उसके पास वो सहूलियत नहीं है मेरा ख्याल है, और जो स्टूडियो पॉटर के पास होती है, हमारे पास स्पेशल किल्न्स होती हैं, हमारे पास स्पेशल ग्लेजेस होते हैं और लिमिटेड उनकी रसाई लिमिटेड होती है हर चीज़ से। तो ये एक फ़र्क है स्टूडियो पॉटर में और उनमें, कि हमारी चीज़ें जो ख़रीदते हैं लोग, वो लोग चाहते हैं कि हम सजाएं अपने घरों में, और उनकी चीज़ें क्योंकि मैस प्रोड्यूस होती हैं तो लोग समझते हैं कि ये तो हर एक के पास है, हर एक के। हमारी चीज़ें जो होती हैं वो वन ऑफ अ काइंड होती हैं। ये सारे वो लोग होते हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अब कुछ अगर नहीं आता फिर वो जहन वाली बात आती है। कुछ जहन आर्टिस्ट किस्म के होते हैं, शौक होता है लोगों का, तो फिर ये आर्टिस्ट नुमा चीज़ें ये वही लोग बनाते हैं। जो चक पे चीज़ बनाते हैं वो नहीं, ये नहीं बनाते, वो अपना वही चक वाला आइटम बनाते हैं। जो आर्टिस्ट जहन का बंदा होता है वो ये सारे के सारे जो है ना ये शोपीस वगैरह बनाता है। जो जिसको काम आता है वही बंदा वो काम कर सकता है, एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। अगर उसको हम दूसरे आइटम पे बिठाएंगे, घर बनाने वाला, शोपीस बनाने वाला, वो दूसरा आइटम नहीं बना सकेगा। आज साइंसी माहिरीन दलील देते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने पकाने से सेहत पर कोई मुजिर असरात रूनुमा नहीं होते, क्योंकि मिट्टी के बर्तन ठंडे और फितरत से करीब हैं, लिहाजा सेहत के लिए आज भी मुफीद समझे जाते हैं। जो क्रेश आती है ना, हल्की जो मोटी बजरी आती है, जो उसको इसके अंदर डाल के फिर पानी ऊपर डालो ना, तो जितने तक नलका है उसे तक जब पानी इसके अंदर डालो तो जितनी भी गंदगी होगी तो वो नीचे बैठ जाएगी, बिल्कुल पानी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। जो आदमी बेवकूफ़ समझते हैं कि नहीं मटके से पानी अच्छा नहीं होता, फ्रिज से ज़्यादा ये अच्छा है, इस वजह से अच्छा है कि बीमारी को बहुत अच्छी तरीके से रोकता है। तो डॉक्टर खुद आते हैं, सर्जन आते हैं, सर्दियों में पानी का कूलर ले जाते हैं, कोई मटका ले जाता है, उनको पता है कि इसके मैं 10 गिलास भी पीऊँगा तो मेरे अंदर इन्फेक्शन कोई नहीं होगा, ना नज़ला होगा, ना सीना जाम होगा, ना सर दर्द होगा, ना मुझे बुखार चढ़ेगा। मिट्टी के अंदर एक जैसे इंसानी जिस्म के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, इसी तरीके से मिट्टी के अंदर भी एक छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको आमतौर पर मसाम कहा जाता है। तो वो मसाम इसका एक रस जो होता है दूध का वो खींचते हैं, वो जरासीम इससे खींच लिए जाते हैं। जब उसके बाद इंसान उसको खाता है तो उसके सेहत पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, उसकी आँखों की रोशनाई में फ़र्क आता है, चेहरे की खूबसूरती होती है। उसके अलावा और इसके बहुत से फ़वायदे हैं जो अक्सर औकात टीवी पर डॉक्टर लोग बताते रहते हैं। इसमें लज्जत और है, पानी पियो इससे, इसमें पानी पीने से बहुत लज्जत है, पहला सी गिलास में पियो, इसमें भी पियो, बहुत फर्क होता है। हुकूमत के इस काम के ऊपर कोई सरपरस्ती नहीं है, मिट्टी घूम घूम के सारी जिंदगी निकल गई। मिट्टी का काम तो दो नंबर का हो गया ना।